दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे किले के बारे में जहां आज भी आशिकों का मेला लगता है, एक ऐसा किला जहां माना जाता है कि किले की राजकुमारी आज भी अपने प्रेमी के इंतजार में किले में मौजूद है। एक ऐसा किला जहां स्थानीय लोगों की मान्यता है कि नवाबों की अकूत संपत्ति इस किले के परिसर में आज भी मौजूद है। दोस्तों यह किला है भूरागढ़ का किला। आज के इस वीडियो में हम आपको भूरागढ़ किले से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने हों। नंबर एक, प्रेम की अधूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए केन नदी के किनारे बांदा में स्थित भूरागढ़ का यह किला झांसी जिले से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर दो, 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह द्वारा भूरे रंग के बलुआ पत्थर से हुए इस किले के निर्माण के कारण इस किले का नाम भूरागढ़ किला पड़ा। नंबर तीन, पहले समय में कभी यहाँ कोल भीलों की बस्तियां मौजूद थी जिसकी स्मृति चिन्ह हमें आज भी देखने को मिलते हैं। नंबर चार, इस किले पर मुगलों का, फिर औरंगजेब के शासनकाल में महाराजा छत्रसाल का, शेर जगत राय के पुत्र कीर्ति सिंह का, उसके बाद बांदा के प्रथम नवाब अली बहादुर और अंततः 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों का किले पर राज हुआ। नंबर पांच, वर्तमान समय में यह किला एक खंडर बन चुका है। किले के खंडर बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दुर्ग में असंख्य धन गड़ा हुआ है। सरकार ने स्थानीय लोगों की बातों से प्रभावित होकर उत्खनन कार्य कराया था, किंतु कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ था, बल्कि दुर्ग की प्राचीर उत्खनन के दौरान नष्ट हो गई। नंबर छह, सन 1857 में इस दुर्ग के समीप बागी सैनिकों का मुकाबला अंग्रेज सेनापति विटलर से हुआ था। इस युद्ध में 800 व्यक्ति मारे गए थे तथा अनेक व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। नंबर सात, भूरागढ़ किले का यदि कोई सर्व प्रसिद्ध स्थल है तो यह है नटबली की मजार। इस स्थान के संदर्भ में एक जनश्रुति प्रचलित है कि एक नट का प्रेम प्रसंग यहाँ के नरेश की राजकुमारी से था। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने नट को मारने की योजना बनाई, जिसके मुताबिक राजा ने नट से कहा कि यदि नट कच्चे धागे पर के नदी को पार करके दिखाएगा तो नट का विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। नट ने राजा की बात मान ली। नट कच्चे धागे पर चलकर के नदी पार करने ही वाला था कि राजा ने धागे को काट दिया, जिससे नट की नदी में गिरकर मृत्यु हो गई। जहां नट की मृत्यु हुई उसी स्थान पर आज नटबली की मजार स्थित है। नंबर आठ, नट की मृत्यु जिस स्थल पर हुई उसी स्थल पर उसकी समाधि बना दी गई। हर मकर संक्रांति के समय इस स्थान पर भव्य मेला लगता है, जिसे आशिकों का मेला भी कहते हैं। नंबर नौ, दुर्ग के मैदान में दुर्ग से लगे हुए रंग महल के अवशेष मिलते हैं। कहते हैं कि इस स्थल में तदयुगीन नरेशों की रानियां रहा करती थी, पर अब यह स्थल भग्न अवस्था में है। नंबर 10, भूरागढ़ का यह स्थान राजा बाग, दौआ के महल और गौरहाल महल के नाम से भी विख्यात है।